थानागाजी के समीपवर्ती दुहार चौकान गांव में विगत 10 सालों से एक रास्ते का मामला खारियाडो की थारनी में सुलझ नहीं पा रहा है। प्रशासन राजनीतिक दबाव और अपना पुलिसिया प्रभाव दिखाकर रास्ते का समाधान नहीं होने दे रहा। दोनों पक्षों में से एक पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी है जो अपना रुतबा दिखाकर तहसील के प्रशासन को अपने दबाव में लेकर रास्ते का समाधान नहीं होने दे रहा है। वहीं जबरन पीड़ित कैलाश बोहरा के खातेदारी की जमीन से रास्ता निकलवाना चाहता है। रास्ता खोलो अभियान के तहत तहसीलदार कैलाश मेहरा, थानाधिकारी रामजी लाल ने रास्ता खोलने के लिए मौका मुआयना कर 19 अप्रैल 2023 को रास्ता खोलने के लिए पीड़ित को किसी प्रकार की कोई सूचना या पैमाइश नहीं करवाई थी, जबकि कैलाश बोहरा ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। पीड़ित पक्ष के रिंकू बोहरा ने बताया कि अगर प्रशासन जबरन तानाशाही करके रास्ता खोलेगा उसका विरोध होगा, यदि कोई घटना होती है तो उसका प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। तेज कुमार पुत्र कैलाश चंद बोहरा दुहार चौगान, मेरे एक जमीनी विवाद है कसरा नंबर 51 ग्राम दुहार चौगान। तहसीलदार और SDM 19 तारीख को जाएंगे और मेरी खातेदारी में से रास्ता निकाल करके आएंगे और तहसीलदार दोनों राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। मेरे पास सिविल कोर्ट का स्टे भी है, पेश भी कर चुका हूँ, तहसीलदार जी को भी दे चुका हूँ, SDM को भी दे चुका हूँ, आज कलेक्टर को भी देके आ रहा हूँ, लेकिन ये कोई मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। मेरा परिवार सदमे में है, कल को कोई अगर कोई काम हो जाता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, मेरा परिवार बिल्कुल सदमे में है।